खबर ग्वालियर से है, जहां बीजेपी विभाग के ठेको और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समस्या का निदान निकालने की कोशिश की जा रही है। और बिजली के ठेका कर्मचारियों ने आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के 38 नंबर बंगले का घेराव किया है और ऊर्जा मंत्री ने भी बाकायदा उनके जमीन पर बैठकर उनकी बातों को सुना और जो 12 सूत्री मांगे हैं उनको डिस्कस किया वन टू वन। क्या नतीजा निकला सर शिखर वार्ता का? जो बात देखिए, मेरा यह है कि उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारी आए, उनकी बात को हमने सुना, उन्होंने 12 सूत्री ज्ञापन दिया है। मैंने उनको कहा है कि जो ज्ञापन में आपने मांगे उठाई हैं इस पर मैं चर्चा करूंगा विभाग के अधिकारियों से भी, और आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा, और जो मांगे आपकी मानी जा सकती हैं उसको हम विचार करेंगे। ये बात मैंने आउटसोर्स कर्मचारियों को बोली है।